Bye. Mm -hmm. असलमेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल जैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत ये होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो आज की जो वीडियो है वो है जी आरबी टूम की और यहाँ पे मैं आई थी और यहाँ पे भी मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग वगैरह भी और एक दो वीडियोज भी बनानी थी तो इस वजह से यहाँ पे भी मैं आई हूँ और ये है जी सामने है जी मेट्रो बस का जो होता है रोड जो ऊपर बनाया हुआ है और यहाँ पे जी अब मैं जा रही हूँ अब सबसे पहले आशियाना सेंटर जा रही हूँ और यहाँ पे बेसमेंट भी एक शॉप है जिसकी मैंने जो है वीडियो भी बनाई थी और उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए ब्लॉग भी बना लिया था सामने है जी इंसाफ फैब्रिक्स बहुत ही फेमस शॉप है और काफी बड़ी शॉप है आशियाना सेंटर की तो यहाँ से सीढ़िया उतर, उतरती हूँ और साथ ही आगे, आगे आपको यहाँ पे दिखाऊंगी अभी ये सीढ़िया उतर रही ये सामने शॉप है जिसके अंदर मैं अभी जाऊँगी इसके साथ वाली एक और शॉप है लेकिन मैंने आना है इस वाली शॉप पे तो यहाँ ये भाई सब जो है अपने कस्टमर वगैरह डील कर रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पर आई थी तो इतनी देर में वो अपने कस्टमर डील करते तो जो ये ड्रेस वगैरह ओपन थे मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ इनके पास तमाम जो वैरायटी होती है वो तमाम स्टिच वैरायटी होती है जिसमें आपको जो है शर्ट्स पर काम मिलता है और इसके अलावा उसके साथ आप अगर शरारा चाहते हैं तकरारा चाहते हैं लहंगा चाहते हैं या ट्राउज़र चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है तो वो इस तरह जो है ड्रेस वगैरह उन्होंने इस तरह तैयार किए होते हैं और ऑर्डर पे भी ये बना के देते हैं यहाँ पे जी एक ये मैक्सी आई हुई थी बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत सी तो मैंने कहा भी आपको दिखा दे चलो तो इनकी जो ड्रेस की प्राइस मैंने जो पूछी थी भाई साहब से उन्होंने कहा था कि हमारी स्टार्टिंग प्राइस दस से स्टार्ट है और इसके अलावा फिर आगे भी जो है प्राइस मतलब जैसे जैसे ड्रेस होगा काम होगा जो भी होगा उस हिसाब से उसकी जो प्राइस है वो अप होती जाएगी तो इस इनके पास तमाम ड्रेसेस होते हैं इसी तरह के जिन पे ये काम होता है पेपलम होते हैं और बहुत ही खूबसूरत बहुत जबरदस्त ये ड्रेसेस होते हैं अब मैं अब बह जा रही हूँ और बह जाके मैं आपको जो है इनकी शॉप का नेम भी बताती हूँ ये जी कुछ ड्रेस जो है यहाँ पे बाहर भी डिस्प्ले है और डमीज पे और ये देखें ये जो है इस तरह का गरारा है और साथ इसके जो शर्ट है दुबट्टा है जी शॉप का नेम है नूर बुटीक और शॉप नंबर भी इसके ऊपर मेंशन है और यहाँ पे जो है मैं आपको स्क्रीन पिन का नंबर भी दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं उसके बाद जी वहां से जब मैं फ्री हुई तो फिर हम लोग आरबी टू में आ गए थे और आरबी टू में ये फ्रंट कुछ पे कुछ शॉप थी यहाँ पे मैं देख रही थी मैंने समझा कि ये रेड वाला जो है चिकनकारी का है लेकिन वो नेट टाइप का था एक ये जी इस तरह के जो कपड़ा है, आ, शिफून कह लें या और गजा कह लें इस पे चिकनकारी था और यहाँ भी इनके पास सारा जो है ओपन फैब्रिक होता है और यहाँ भी मैं बस ये हम लोग सिर्फ देख रहे थे यहां से हम लोगों को लेनी थी जो मेन चीज लेनी थी वो हमको बेडशीट लेनी थी अच्छा ये वाला ड्रेस जो है ऑल ओवर दुपट्टा था तो प्राइस मैंने पूछी तो आई थिंक चार हजार छः हजार उन्होंने मुझे बताई थी आई थिंक छः हजार तो कह रहे थे कि ये ड्रेस आप पसंद करते हैं कर लें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो अभी कोई मेरा मूड नहीं था ड्रेस लेने का क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ड्रेस लिए हुए थे तो इस वजह से फिर अभी कोई मूड नहीं था जब लेने होंगे तो इनशाला फिर मैं आ जाऊंगी इनकी शॉप पे तो वैसे यहाँ पे इनके पास काफी सारे थे ड्रेसेस थे इसके अलावा इनके पास चिकनकारी की बहुत ज्यादा वैरायटी आई हुई थी मुझे चिकनकारी बहुत ज्यादा आजकल दिल आया हुआ है मेरा इस पे तो वो मैं देख रही थी यहाँ पे जी इस तरह के ऑर्गेजा के दुपट्टे थे और उनके ऊपर थ्री डी फ्लॉर्स लगे हुए थे मतलब काम तो नहीं कह सकते लेकिन इस तरह ये लगे हुए थे इस तरह बना के ना उसको साथ अटैच किया हुआ था ये देखे चिकनकारी फिर मुझे नजर आ गई इस तरह की शर्ट तो ये मेरा दुबट्टा मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था जी तीन हजार का दुबट्टा है इस तरह का जो दुबट्टा है प्रिंटेड औरगेंजा का सॉफ्ट ये जो कि वो कह रहे थे कि सर वगैरह पे मतलब ये आ, मतलब टिक जाता है आ, स्लिप नहीं करता आपको पता है कि ऑर्गेंजा ऐसा फैब्रिक है जो कि स्लिप करता है सर पे रखा जाए तो इस तो उसके बाद जी यहाँ पे ये कुछ चिकनकारी की शर्ट्स थी यहाँ पे मैं देख रही थी तो इनसे मैंने पूछा था इनका फैब्रिक वगैरह अच्छा था और काफी अच्छी मतलब नफीस इनकी चिकनकारी जो थी लेकिन शर्ट इनकी वो तीन हजार पांच सौ की बता रहे थे तो शायद अभी मैंने तो वैसे ही पूछा था लेकिन जब लेना हो तो, तो थोड़ी बार्गेनिंग करवा सकते हैं लेकिन कितनी करेंगे आजकल तो ऐसा भी नहीं करते क्योंकि बस यही कह देते हैं कि बाजी आपको मुल्की हालात का पता है देखें आप क्या करें ये या वो है तो ये चीजें करके वो फिर बारगेनिंग बहुत मतलब कम पैसे कम करते हैं तो ये फिर जो वही दुपट्टे आ गए इसमें कि ब्लू कलर का था जो के तीन हजार का एक दुपट्टा दे रहे थे यहाँ से फिर हम लोग फ्री हुए तो आगे चले तो यहाँ पे मैं जब जा रही थी तो मैं इसको राबी सेंटर समझ के बेसमेंट में जब गई तो नहीं लेकिन जब मैं आगे गई तो मुझे कुछ छोटा सा लगा मैंने कहा राबी सेंटर तो इस तरह का नहीं है फिर मैंने उनसे पूछा मैंने कहा मुझे चाहिए बेड शीट वगैरह तो कहाँ से मिलेगी तो उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं मिलेंगी आपको आगे जाके मिलेगी तो मैंने जब बाहर आई तो बाहर आके देखा तो ये चाइना सेंटर था ये छोटी सा एक जो प्लाजा है चाइना सेंटर का उसके बाद जी फिर उसके साथ ही ये फिर अः राबी सेंटर था यहाँ पे फिर बेसमेंट में आपको काफी सारी जो है अः बेड शीट की वरायटी देखने को मिल जाएगी तो यहाँ भी हम लोगों को कुछ स्टॉल्स वगैरह भी देखने थे जो वगैरह होते हैं, वो भी देखने थे लेकिन यहाँ पे हम लोग अब आ रहे हैं सामने ये कुछ शॉप्स हैं आप उनके नाम से आप देख रहे होंगे अगर आप पिंडी में रहते तो आप इनको पहचान भी होंगे यहाँ पे जी कश्मीर के, गुल कश्मीर है गुल कश्मीर शॉल की शॉप पे गए थे यहाँ पे हम लोगों ने मालूम किया कि हमें वो स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे तो उनका नहीं यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको वो आपको कमर्शियल मार्केट से मिलेंगे जो कि आपको चाहिए तो फिर यहाँ पे ये यह कुछ शॉल्स वगैरह थी इनके पास सिर्फ शॉल्स होती थी दुपट्टे होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं लेकिन जो हमें स्काफ चाहिए था स्टॉल चाहिए था वो उनके पास नहीं था उसके बाद फिर हम लोग आगे जा रहे थे यहाँ पे अब जी तमाम जो है आपको हर किस्म की बेडशीट्स देखने को मिलेंगी कॉटन की बेड मिल जाएगी यहाँ पे आपको हर वराइटी जो है बेडशीट की मिल जाएगी तो मुझे जो बेडशीट चाहिए थी वो मुझे एम्ब्रॉयडर्ड चाहिए थी तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आगे आप मैंने कहा आगे की मिल जाएंगी तो उन्होंने कहा पता कर लेकिन ये सारा जो एरिया है इस करें तमाम का तमाम एरिया जो है आपको कॉटन की ही बेड मिलेंगी तो फिर इनकी जो कुछ वैरायटी मैंने यहाँ पे देखी और देखने के बाद फिर मैं आगे की तरफ जा रही हूँ तो इनके पास इस तरह की जो होती है कम्फर्ट सेट वाली बेडशीट भी मौजूद थी तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये ड्रेसेस वगैरह भी थे और साथ साथ यहाँ पे मैं चलती जा रही थी और यहाँ पे साथ साथ देखती जा रही थी के, आ, कोई जो मतलब जो मतलब मुझे चाहिए थी क्योंकि वो मोती बाजार की एक शॉप है तो वहां पे मैंने वो देखी थी वहाँ वहां पे मैं वीडियोस बनाने जाती थी तो वहां पे वो बेडशीट मैंने देखी थी तो उस वक्त मुझे बहुत पसंद आ रही थी लेकिन अब मैंने मुझे लेनी थी तो मैंने जाना था, मोती बाजार ही जाना था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जाना था शेखुपुरा तो मेरे पास आज का ही टाइम था जिसकी वजह से फिर मैं इधर ही आ गई थी और यहीं से मैंने कहा चले मैं देख लेती हूँ तो फिर आपको मैं Uh, साथ साथ ये दिखाती जा रही हूँ लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी बेडशीट शीट में नहीं मिल मतलब मिली और ना दिखाई दी तो यहाँ पे तमाम जो है बेडशीट शीट जो थी कुछ फैंसी थी कुछ कॉटन की थी कुछ जहेज पैकेज होते हैं उस तरह की तमाम जो इस तरह की बेड शीट वगैरह थी तो मैं बता रही थी कि वो मोती बाज़ार की एक शॉप है वहाँ पे भी मैं इन विज़िट करूंगी और वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी इनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कॉटन पे तो नहीं है लेकिन इस तरह के ये जो कपड़ा होते हैं पता नहीं इसको इसको क्या क्या बोलते बोलते हैं हैं जूट के क्या कपड़ा बोलते हैं? अब इसको मुझे तो उन्होंने यही बताया था कि ये वाला जो फैब्रिक होता है ये ज्यादा सोफा वगैरह पे जो होता है उसको होता है तो इनके पास ये था तो ये वाला जो था वो अलेवन थाउजेंड का बता रही इसके बाद इसके बाद ये वाले जो आजकल बेडशीट आई हुई है ये मैं देख रही थी इनके पास तो प्राइस इनकी भी सेम है ये वाली मैंने बेडशीट जो है जो अभी मैरून वाली मैं आपको दिखा रही थी ये वाली मैंने अपने एरिया से ली थी तो उसने मुझे पच्चीस सौ की बता के चौबीस सौ की दी थी दो बेडशीट मैंने ली थी तो ये वाली बेडशीट शीट यहाँ पर हैं इनकी प्राइस सेम ही यही है वो आपको कहीं से 2200 की मिल जाएगी और कहीं से 24-2500 की मिल जाएगी तो उनके पास वो बेडशीट नहीं थी तो उसके बाद फिर मैं यहाँ भी आई थी इस शॉप पे और इस शॉप पे भी आ, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास वो वाली बेड नहीं है हमारे पास इस तरह की बेड शीट है कॉटन की है या इस तरह की वेलवेट की जो फैंसी बेड होती हैं ये ही हैं हमारे पास तो फिर मुझे ये ऊपर जो रेड वाली नज़र आ रही है वाइट उसी और जिसके ऊपर रेड कलर के वो, है वो के -के से बने हैं वो, वो क्या हुए हैं आप वीडियो क्यों बना रही हैं तो फिर वो मैंने उनको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ तो ये वाली जो बेड शीट है ये बी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की ही बता रहे थे वो जो प्लेन वाली आजकल चली हुई है ना इस अब मैं क्या बताऊं अंदर से वो सिली होती है और छोटे छोटे से डॉट टाइप होते हैं उस तरह की ये शायद आपको करीब से ये वाली देखे इसे वाली इसमें जो है ना वो प्लेन वाली भी थी प्लेन वाली तो मैंने ली हूँ ये प्रिंटेड तो ये कॉटन की थी और ये भी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की टू पिलर्स और बेडशीट जो है वो दे रहे थे इसके अलावा इसके पास ये सारे सारे पे डिफरेंट कलर और डिजाइन की बेडशीट थी तो यहाँ पे एक और शॉप पे आ गई मैं तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी इनसे कि ब्लैंकेट कितने का है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अठाईस सौ का इस जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये भाई साहब जो है जानने वाले निकल आए इनकी जो शॉप है मक्का फॉर्म बेडशीट के नाम से है और इनकी जो मेन शॉप है वो ट्रंक बाजार में बेसमेंट में है वहाँ पे मैंने काफी सारी इनकी शॉप की जो है वीडियोस बनाई हुई है तो यहाँ पे भी उनके छोटे भाई हैं वो यहाँ पे बैठे हुए थे तो फिर मैं उनसे हाल हवाल पूछने शुरू हो गई और फिर मैं सारी डिटेल वगैरह इनसे बता की और मैंने इनसे भी पूछा कि मुझे वो बेड शीट से मिलेगी तो इन्होंने कहा कि आपको वहाँ पे फैसल मार्केट या मदीना मार्केट राजा बाजार से मिलेगी तो मैंने बोला वहाँ पे इतनी दूर मेरे पास टाइम नहीं है जाऊँ तो फिर यहाँ पे जी एले फ्लीज ब्लैंकेट मैंने पूछे थे तो इसकी प्राइस ट्वेंटी एट हंड्रेड बताई और ये रेड वाला भी ट्वेंटी एट हंड्रेड का ही था तो इसके अलावा इनके पास है जी पड़ी हुई है तो उसकी प्राइस वगैरह भी पूछ रही थी तो यहाँ पे वो कहते जी सबसे अच्छी वाली रजाई ये वाली है और जिसकी प्राइस जो है वो सिक्स थाउजेंड के फाइव थाउजेंड बताई थी उन्होंने तो फिर मैंने कहा इनशाला मैं आपकी शॉप का फिर चक्कर लगाऊंगी और फिर मैं आपसे ये वाली रजाइयाँ जो है लूंगी क्योंकि मुझे चाहिए इस तरह की रज़ाई और एक चैन वन पे भी हम लोग गए थे देखने के लिए लेकिन चैन वन पे जो है वो नहीं मिली थी चैन वन की जो रज़ाई थी वो टेन परसेंट डिस्काउंट पे मिल रही है तो इस वजह से वो नाइन थाउजेंड की मेरे थी अच्छा इसके इसके अलावा इनके पास ये वाली बेडशीट भी थी जो अभी मैं आपसे जिक्र कर रही थी जो मैंने प्रिंटेड दिखाई थी इनके पास जो बेडशीट थी वो ट्वेंटी टू हंड्रेड की दे रहे थे और ये वाला जो है ये भी जो है रज़ाई है और ये भी फोर थाउजेंड की थी तो इस इसके अलावा जो मैं बेड शीट आपको बता रही थी उसमें जो पूरा कंफर्टर सेट था वो इन्होंने थर्टी फाइव हंड्रेड का प्राइस बता रहे थे जबकि डिफरेंट जगह पे इसकी प्राइस डिफरेंट थी फोर्टी टू फोर्टी Uh, जो है फाइव uh, हंड्रेड की है इसके अलावा इस शॉप के बिल्कुल सामने एक न्यू uh, डेकोरेशन uh, की शॉप ओपन हुई है न्यू के टू मंथ्स हुए हैं तो यहाँ पे भी मैंने कहा देख लेती हूँ लेकिन प्राइस वगैरह यहाँ पे मैंने किसी भी uh, चीज की नहीं पूछी थी क्योंकि भाई सब बिजी थे वो अपनी शॉप वगैरह जो है वो सेट कर रहे थे तो फिर मैंने कहा चले मैं डिटेल से एक नई वीडियो डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम आके तो वो फिर मैं जो है वो फिर अपलोड करूँगी फिलहाल मैंने कहा चले आपको इनकी शॉप की वैरायटी दिखा देती हूँ कि इनके पास काफी सारी डेकोरेशंस हैं। इनकी एक शॉप चाइना मार्केट में भी है और यहाँ पे इस तरह के तमाम जो होम डेकोर होते हैं वो तमाम आपको इजीली मिल जाएंगे और मुझे भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं फिर इनकी शॉप का विजिट करूंगी और इंशाल्लाह शॉपिंग भी करूँगी और साथ आपको दिखाऊँगी भी कि इनकी शॉप की और फिर मैं प्राइजेस के साथ जो है दिखाऊंगी तो यहाँ पे मैं इनकी मैंने कहा का मुझे कार्ड दिखा दे तो उन्होंने अपनी शॉप का कार्ड दिया था ये जी इनकी शॉप का नेम है और यहाँ पे इनका एड्रेस और नंबर वग़ैरह भी साथ दिया है तो आप जो है इजीली आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं तो बस इतनी थी मेरी आज की वीडियो क्योंकि इसका जो है इसके बाद मैं आगे गई थी कमर्शल मार्केट में तो उसकी मैंने फिर अलग से वीडियो बनाई है जो कि मैं इसके बाद आपके लिए उसको अपलोड करूंगी और वहाँ पे फिर मैंने जो है कुछ चीजें वगैरह देखी थी और जो मैंने वहाँ पे बेडशीट वगैरह ली थी जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिली थी तो वहां से मुझे वो इजीली मिल गई तो वो मैं आपको दिखाऊंगी शॉप का नेम भी बता दूंगी कि कहाँ से मैंने ली है और उसकी प्राइस वगैरह भी और और वैरायटी भी मैं दिखाऊंगी तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो नेक्स्ट टाइम इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी तो तब तक आपसे इजाजत चाहती हूँ और दवाओं में याद रखेगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा ढेरा दुआओं के साथ इजाजत चाहती हूँ अल्लाह हाफिज